देखिए गाइस, तो आज हम बना रहे हैं ये कद्दू की सब्जी। आप देख सकते हो ये मैंने ऐसे ही अभी लिया हुआ है और इसका हम छिलका उतार लेंगे। इसका हम छिलका उतार लेंगे और छिलका उतारने के बाद इसको छोटा छोटा पीस में कट कर लेंगे। तो आप देखिए हम ये कद्दू की सब्जी बनाएंगे बिल्कुल नए तरीके से और एकदम बढ़िया। तो देख सकते हैं हम अपना कद्दू को कद्दूकस कर रहे हैं, मतलब इसको छील रहे हैं। गाइस मैंने कुछ इस तरीके से काट लिया है। अब इसको काटने के बाद अब हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे। देख सकते हैं गाइस मैंने इस तरीके से ये काट लिया है। अब हम इसकी बनाएंगे एकदम भंडारे वाली बेस्ट सब्जी। देख सकते हैं कितना अच्छा मैंने काट कर तैयार किया है, इतने बड़े बड़े पीस मैंने काट लिए हैं। अब हम इसकी बनाएंगे एकदम स्वादिष्ट बेहतरीन बढ़िया कद्दू की सब्जी, जिसको बोलते हैं काच्छी फल, कोई बोलता है कद्दू। देख सकते हैं गाइस, तो मैंने कद्दू के लिए इतनी प्याज काट ली है। अब इसको हम तल लें। तो देख सकते हैं गाइस, ये हमारी प्याज कटी हुई है और ये हमारा कद्दू के पीस है और ये हमारा है लहसुन की कुछ कलियां। तो इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे बारीक से, क्योंकि आज हम बनाएंगे मसाले का कद्दू। देख सकते हैं ये मैंने गैस ऑन कर दी है और ये रख दिया है पतीला, इसमें डाल दिया है ऑयल। देख सकते हैं आप, ये हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे हींग। ये है हमारा कटा हुआ प्याज।
तो देख सकते हैं गाइस हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं प्याज डाल के। तो देखिए हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें डाली 1/4 चम्मच हींग, देख सकते हैं आप, इसमें मैंने हींग डाल दी है। अब ना डालेंगे प्याज कटा हुआ, मैंने काट के रखा था। और इसी में डाल देंगे अब थोड़ी सी मेथी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे। तो देख सकते हैं गाइस अब हम डाल रहे हैं ये मेथी। मैंने पहले भी डाल दी थी, मुझे कम लगी तो मैंने फिर भी डाल दी। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। देख सकते हैं आप लोग प्याज हमारी अच्छे से भुन गई है। अब हम डालेंगे अपना लहसुन का पेस्ट, ये मेरा तैयार करके रखा था। अब इसी में हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। देख सकते हैं इसमें मैंने पानी भी डाल दिया है। हमें हम डालेंगे ये धनिया। देखिए तो अब हम डाल रहे हैं ये धनिया पाउडर।
अब डालेंगे हल्दी पाउडर, अब डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि हम ये लाल मिर्च तोड़ के भी डालेंगे इसमें। अब डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, अच्छे से पानी डाल देंगे जिससे कि मसाले भून पाए। ये कुछ हमारी सूखी मिर्च है तीन, इसको भी हम तोड़कर डालेंगे इसी में। तो देख सकते हैं ये मैंने मिर्च डाल दी है। देख सकते हैं तो मसाला हमारा अच्छे से भून रहा है, इसमें देखिए कलर भी बहुत बढ़िया आ रहा है। हमारे घर में बहुत तेज खुशबू भी आ रही है, आप पास में हो तो आपको देखिए आप खुद सुन लीजिए। बहुत अच्छे से मसाला हमारा भून रहा है गाइस। तो देखिए कितना अच्छा इसमें कलर भी आ रहा है, बहुत बढ़िया हम आपकी सब्जी बना के दिखाएंगे। और ये देखिए हमारा है ये कद्दू कटा हुआ, इसको मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया था और ये हमारा मसाला भून करके तैयार हुआ है। ये कद्दू के पीस हम इसी मसाले में डाल देंगे, क्योंकि इसको मैंने पहले से ही धोकर रखा था, आप धो दीजिए। देखिए इस तरीके से आप कद्दू की सब्जी बनाओगे तो बहुत अच्छी बनेगी। मेरे बताए हुए तरीके से बिल्कुल रेस्टोरेंट की सब्जियां खाना भूल जाओगे। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर भी आ रहा है। तो ये एक चीज और रह गई है इसमें, तो ये है हमारे पास पिसी हुई खटाई, जिसको बोलते हैं कच्चे आम में पिसी हुई, उसी का ये सूखा हुआ पाउडर है। तो अब हम ये पाउडर भी इसी में डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा खटास और चटपना भी आता है। देख सकते हैं ये इसमें मैंने दो तीन बार यूज कर लिया था, पूरा पैकेट नहीं है, और सारे का सारा अब हम इसमें डाल देंगे। तो देख सकते हैं मैंने सारे का सारा डाल दिया है, अभी ये गल रहा है हल्का हल्का सा, मतलब गिरा नहीं था, इसमें अब हम पानी डाल देंगे जल पीना, वरना ये जल जाएगा। झटपट से हमारी कद्दू की सब्जी बनकर तैयार होती है। अब हम इसको ढक देंगे, लगभग गलने तक का इंतजार करेंगे।
तो ये देखिए यहाँ पे हमारा दूध गर्म हो रहा है, यहाँ पे हमारी कद्दू की सब्जी बन रही है। कितनी प्यारी देखिए क्वालिटी है, इसमें बढ़िया सा कलर भी आ गया। देखिए हम आपको चला करके दिखाते हैं, पर ये अभी गली नहीं है बिल्कुल से भी, अभी नहीं रखा था, ये गल जाएगी फिर हम आपको दिखाते हैं, सारा पानी खत्म हो जाएगा इसमें से। अब हम इसको ढक देते हैं और कुछ मिनट के लिए इंतजार करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा दूध भी पक रहा है अच्छे से, और ये हमारी किचन है, आप देख सकते हो कितनी बढ़िया। देख सकते हैं गाइस ये सब्जी हमने अभी खोल के देखी है, तो ये अच्छे से गल गई है, बस इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देना है। देख सकते हैं इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है, और ऐड करने के बाद ये हमारे जो बड़े बड़े कतीले थे ये पीस थे कद्दू के, तो अब हम इसको ऐसे करके थोड़ा थोड़ा क्रश कर देंगे, जिससे कि इससे टेस्ट भी बढ़ जाता है और स्वाद भी बढ़िया आता है। देख सकते हैं आप हम ऐसे ऐसे चम्मच से तोड़ दे रहे हैं सारे लोगों को सारे पीसेस। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए ये हमारी कद्दू की सब्जी बनकर तैयार हो गई, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी कद्दू की सब्जी बनकर तैयार हो गई।